स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है रेडमी 11 नाम पे, और इस फोन का प्राइस दोस्तों बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि Xiaomi दोस्तों एकलौता ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि बहुत ही लो प्राइस में बहुत ही बढ़िया स्पेक्स देता है। जैसे कि इस फोन में मिलने वाला है 7000 mAh का बहुत बड़ा बैटरी, उसी के साथ एक बड़ा सा हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और साथ ही साथ एक पावरफुल चिपसेट। ऐसे दोस्तों इस फोन के बारे में कुछ लीक्स आया है जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इस फोन की बैक साइड में हमें ग्लास बैक देखने को मिलेगा, उसके साथ ट्रिपल रियर कैमरा, इसमें 50 MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा और इसमें सोनी का सेंसर यूज किया जा सकता है, 5 MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस होगा और एक 2 MP का माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। इस फोन की कैमरा सब दोस्तों हाई क्वालिटी में फोटो और वीडियो भी कैप्चर कर पाएंगे और इस प्राइस पॉइंट में दोस्तों 50 MP कैमरे के साथ ट्रिपल रियर कैमरा देना वो भी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होता है जो कि Xiaomi इस बार करने वाला है। तो Xiaomi के लिए दोस्तों एक लाइक शेयर कमेंट भी बनता है। तो चलिए और बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। उससे पहले दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर फोन की बैक साइड में देखने को नहीं मिलेगा, पावर बटन के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। अगर इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 6.6 इंच का फुल डिस्प्ले डिस्प्ले मिलने वाला है 90 रिफ्रेश रेट के साथ, उसके साथ डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला 6 का यूज किया जाएगा। बाकी सेल्फी के लिए 16 MP का पंच होल फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिस सब 1080 पर फुल वीडियो रिकॉर्डिंग और उसी के साथ हाई क्वालिटी में भी फोटो क्लिक कर पाएंगे। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें मीडिया का हेलियो G88 का चिपसेट देखने को मिलेगा और ये प्रोसेसर दोस्तों लगभग 10000 रेंज के अंदर हर एक फोन में देखने को मिला है। काफी अच्छा प्रोसेसर दोस्तों, साथ में 6 GB रैम है, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज है, साथ में 4 GB 64 GB रैम वेरिएंट ऑप्शन भी है। तो आप अगर सोच रहे थे कि गेम खेलने के लिए या फिर फ्री फायर खेलने के लिए कौन सा फोन सही रहेगा 10000 रेंज के अंदर, तो आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इस फोन में ठीक ठाक आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, रैम भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है, उसी के साथ हाई रिफ्रेश रेट इसमें डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में ही बताया था, इस फोन में 7000 mAh का बहुत बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है जो कि 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, साथ में टाइप सी पोर्ट है 3.5 MHz ऑडियो जैक है और आजकल हर एक फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, तो इस फोन में भी दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा। इस फोन के बारे में दोस्तों जो भी लीक्स आ रहा था मैं आप लोगों को बता दिया है और